ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी था। कस्टमर का अमाउंट था 255 रुपीज़। कस्टमर ने मेरे को 270 रुपये दिए, तो मैंने उनका सर चेंज जीपे करूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बाकी का आप टिप रख दो। मतलब भाई मेरे को ये ऑर्डर पे आया 15 रुपये टिप, तो थैंक यू सर। तो ये होता है ऊपर की अपनी कमाई। तो चलो अभी आपको नीचे जाके मैं दिखाता कितनी अर्निंग हुई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी जस्ट मैंने लॉग इन किया है, तो अभी टाइम हो रहा है 7:06। ठीक है, अभी फिलहाल मैं हाईवे के बाजू में, आपको मेरा पीछे का बैकग्राउंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता रहेगा तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस अभी मैंने लॉग इन किया, तो देखते हैं 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे अपनी कितनी अर्निंग होती, कितने ऑर्डर होते, कितना इंसेंटिव, कस्टमर रेटिंग और प्लस गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है। ठीक है गाइस, तो ये देखो गाइस अपनी गाड़ी चली है 6737 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको रात को चेक करेंगे भाई कितना किलोमीटर होता है। और गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो चुकी है, इसको वॉश करने बट टाइम नहीं मिला तो कर लेते बाद में। ये देखो भाई हाईवे के साइड में रुको, अभी फिलहाल मैं हूँ सर्विस रोड पे। ठीक है, तो अपने को यहाँ से यू टर्न लेके जाना है हिंजौड़ी। बेसिकली गाइस मैंने पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया, मेरे को जाना है हिंजौड़ी लेके, हिंजौड़ी टावर B7 जाना है अपने को। तो 6.7 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में, 17 मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख लेना स्क्रीनशॉट। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मैंने नाइट में ऑर्डर मारे थे, 6-7 ऑर्डर मारे थे, तो अभी अपने को गिरा आठवा के नवा ऑर्डर गिरा है। तो देखते हैं आज अपने टोटल अर्निंग कितनी होती है, लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दे रहे। ठीक है, तो चलो अभी जाते हैं पहला ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। ओके एंड गाइस फाइनली कस्टमर के बिल्डिंग में आ चुका हूँ मैं। ये देखो टावर B7 हिंजावड़ी, और भाई अपने को ऑर्डर देने जाना है 23 फ्लोर पे, तो चलो भाई जाके ऑर्डर देते हैं। एंड गाइस ये देखो ये बिल्डिंग है भाई, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो चलो गाइस गाड़ी मैंने बाहर लगा दी क्योंकि अंदर अलाउ नहीं पार्सल को, तो चलो इसको डिलीवर करते हैं। एंड गाइस फाइनली मैं आ चुका लिफ्ट में। ये देखो भाई 23वें फ्लोर पे अपने को जाना है, और बिल्डिंग है 29 फ्लोर की। वहाँ कसम 0-1-2-3 भाई साहब, कितनी बड़ी बिल्डिंग है देखो, 29 फ्लोर की भाई, खतरनाक बिल्डिंग है। तो गाइस इसको अभी डिलीवर करते हैं, देखते हैं फिर ये ऑर्डर के कितने पैसे अपने को। एंड भाई मेरे को ना थोड़ा लेट लॉग इन करने चाहिए था, क्योंकि भाई इतना ट्रैफिक है ना, इतना ट्रैफिक में काम करने जमता नहीं है और ऑर्डर फटाफट डिलीवर होता नहीं है, और अपने को क्या भाई फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करने पड़ता है ना, तो ट्रैफिक में नहीं जमते काम करने के लिए। मैं सोच रहा था 8:30-9 बजे लॉग इन करता हूँ, बट ठीक है अभी करते हैं। तो देखते हैं अभी कितने ऑर्डर्स होते हैं और अपनी कितनी अर्निंग होती है। और इसमें है टोटल 2 शोरमा और कस्टमर का ऑर्डर 18 मिनट लेट है, कस्टमर ने मेरे को फोन किया था भाई। तो चलो आगे 23वें फ्लोर पे आ चुका मैं। एंड गाइस ये देखो मेरे सामने का व्यू भाई, मैं रिटली लाइव देख रहा हूँ, मैंने कैमरे पे हाथ रखा हुआ है। तो ये देखो गाइस भाई पूरा ऊपर से क्या व्यू देख रहा है, ये देखो टॉप फ्लोर पे, मतलब टॉप फ्लोर में 23वें माले पे हो भाई, पूरा हिंजौड़ी ब्लू रिज दिख रहा है देखो भाई, खतरनाक ना गाइस। ओ माय गॉड, मेरी ना रिटली फट रही है यहाँ पे देखने के लिए भाई, देखो ना कुछ सेफ्टी नहीं है, गया तो सीधा नीचे। ये देखो ये सामने मैकडी है, अपने को इसका ऑर्डर गिर सकता है बट देखते गिरा तो गिरा। बाकी भाई व्यू देखो ऊपर से, पूरा हिंजौड़ी दिख रहा है यार, क्या मज़े ना ये बिल्डिंग में जो रहते रहेंगे उन लोग के भाई। ये देखो एक्चुअली मेरा है ना कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर रहा है, बट मैं जो रिटली लाइव सामने से देख रहा हूँ ना भाई, नेक्स्ट लेवल है भाई। गाड़ी देखो कितनी छोटी छोटी लग रही है, देखो ये 4-व्हीलर है ना, बहुत छोटी छोटी लग रही है। तो चलो गाइस अपनी लिफ्ट आ गए, अभी निकलते अपन। फाइनली अपना फर्स्ट ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, मेरे को ये ऑर्डर के टोटल मिले 61 रुपीज, मतलब 60.9 रुपीज, 61 रुपीज पकड़ लो। और टाइम लगा डिलीवरी टाइमिंग 47 मिनट। एंड गाइस अभी फिलहाल में हिंजौड़ी ब्लू रिज फिलहाल कस्टमर के बिल्डिंग के पास ही हो। ये देखो मैकडी, मैंने ये ऊपर से दिखाया था आपको, ये ऊपर से मैकडी दिखाया था, ये देखो ये वाली बिल्डिंग से, ये देखो मैं ये वाले बिल्डिंग में गया था ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, अभी मैं कस्टमर की बिल्डिंग के पास ही रुका हूँ, लगभग मेरे को 15 या 20 मिनट हो गया मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देख लिया यूट्यूब पे 18 मिनट का, अभी तक भाई मेरे को ऑर्डर नहीं गिरा भाई। और यहाँ पे मैं रुका हूँ, यहाँ पे हॉटस्पॉट एरिया काफ़ी, स्विगी वाले जोमेटो वाले भी रुके वहाँ पे, दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे भाई मतलब अभी पिक टाइमिंग चल रही है, ऑर्डर गिरनी चाहिए, बट गाइस देखते कब अपने को ऑर्डर गिरता है, तब तक अपन वेट करते हैं, नहीं तो फिर मेरे को लगता है गो टू होम एक्टिव करने पड़ेगा, तब जाके अपने को ऑर्डर गिरेगा ऐसा मेरे को लगता है। बट ठीक है भाई, क्या सीन अभी मुझे नहीं मालूम, बट देखते गिरा तो ठीक है ना, तो फिर वाकड़ चला जाएगा। एंड गाइस एक घंटा वेट करने के बाद अपने को ऑर्डर गिरा था हिंजौड़ी से, अभी आया मैं बानेर में देने के लिए, पहले ऑर्डर दे देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है चलो ना, ये ऑर्डर सेकंड ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है भाई, 58 रुपीज़ मेरे को ऑर्डर के पैसे मिले, और टोटल डिलीवरी टाइमिंग लगा मेरे को 40-45 मिनट्स लगा भाई। एक्चुअली मैंने ना ये ऑर्डर हिंजौड़ी से पिकअप किया था, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अपना एक दोस्त है यूट्यूबर राहुल भाई करके चंडीगढ़ से, तो उनसे मैं फोन पे बात कर रहा था ना, तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया,
तो ऑर्डर पिकअप किया और सीधा आ गया कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए। भाई मैं हिंजोड़ी में लगभग एक घंटा वेट किया, मेरे को ऑर्डर नहीं गिरा। फिर मैं भाई परेशान हो गया, मैंने गोटू होम चालू किया, उसके बाद मेरे को ऑर्डर गिरा। गोटू होम भी हालांकि 25 मिनट के बाद मेरे को ऑर्डर गिरा। तो अभी फिलहाल बाड़मेर में, तो अभी वेट करते हैं थर्ड ऑर्डर का और देखते हैं आज अपनी टोटल कितनी अर्निंग होती है कितने घंटे में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी फिलहाल मैं कस्टमर की बिल्डिंग में लिफ्ट। गाइस ये देखो कार, देखो भाई मर्सिडीज खतरनाक भाई। चलो गाइस फाइनली कस्टमर की बिल्डिंग में आ चुका है ऑर्डर देने के लिए। तो ये ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, फिर देखते हैं अपने को एग्जैक्ट टोटल कितने पैसे मिले और डिलीवर करने को कितना टाइम लगा। एक्चुअली भाई अभी आप लोग को मैं फिलहाल मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से वीडियो दिखा रहा हूँ ना, तो एक्चुअली मेरा जो GoPro है ना वो खराब हो चुका है, सीधा बंद हो चुका है, प्रॉब्लम आ गया कुछ, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। बट मैंने न्यू GoPro ऑर्डर कर दी है, थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, कुछ दिन आपको खाली मोबाइल से देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ देख लेना भाई और सपोर्ट करना अपने भाई को। तो GoPro आने के बाद आपको डेली फिर GoPro से वीडियो देखने मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है, मैं सीधा रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप कर रहा हूँ और सीधा कस्टमर के पास आ रहा हूँ, आपको ऐसा दिखा रहा हूँ ना। बट GoPro आने के बाद आपको सब अच्छा दिखा होगा। चलो चलो इसको अभी डिलीवर करते, लिप भी आ गई, ठीक है। ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, 44 रुपीज में कोई ऑर्डर के पैसे मिले और लगभग टाइम लगा 27 मिनट या 30 मिनट्स के आसपास में टाइम लगा डिलीवर करने को। भाई यहाँ पे लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं आ रहा है, फोकस में काला काला आ रहा हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल मैं हूँ सौदागर में, पिंपरे सौदागर में हूँ। तो अभी मेरे टोटल ऑर्डर कुछ हो गए 13-14 ऑर्डर कंप्लीट हो गए। तो देखते हैं अभी कितना ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि मेरे को घर पे की वीडियो एडिट भी करना है ना, तो टाइम लगेगा। तो देखते हैं अभी अपनी अर्निंग कितनी होती है, देखते हैं सौदागर में ऑर्डर गिरता है नहीं गिरा तो भाई सीधे एरिया में चले जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ना ऑर्डर मेरे को मोस्ट ऑफ ऑल गिरता ही नहीं कभी भी, ठीक है। तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो 5 या 10 मिनट वेट करेंगे फिर सीधा जाएगा अपने एरिया में, क्योंकि मेरे को फटाफट ऑर्डर मार के घर पे जाके वीडियो भी एडिट करना है, फिर वापस आई थिंक नाइट में 1-2 बजे तक काम भी करना है। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस फाइनल अपने ये ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, ये ऑर्डर की मिले मेरे को टोटल 30 रुपीज और डिलीवरी टाइमिंग लगा 24 मिनट्स में डिलीवरी टाइमिंग लगा। और भाई जैसे मैंने कस्टमर को ऑर्डर दिया ना, तो कस्टमर ने भाई एक सीधा ऑर्डर लेके दरवाजे बंद कर दिया, मतलब थैंक यू कुछ बोला नहीं, इतना रूडली कस्टमर ना बताओ क्या बोले। तो जैसे मैंने ऑर्डर डिलीवर किया वैसे मेरे को अभी नेक्स्ट ऑर्डर भी गिर चुका है, पिकअप दिखा रहा है बालेवाड़ी और ड्रॉप पता नहीं, तो जाने अभी बालेवाड़ी, मतलब विशाल नगर से पिकअप करने जाने बालेवाड़ी, जो कि पिकअप है 2 किलोमीटर। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पिकअप करने, ठीक है। एंड गाइस अपने को ऑर्डर गिरा, ये होटल सुरवेज, तो अपना ऑर्डर रेडी हो रहा है, तो अपने को 10 मिनट वेट करना है। तब तक 20 मिनट वेट करने के बाद अपने को ऑर्डर पिकअप हो, मतलब अपना ऑर्डर पिकअप हो चुका है, देना है पाशन लिंक रोड में। तो चलो जाके फटाफट से ऑर्डर डिलीवर कर दे। एक्चुअली मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि भाई अपने भाई ये इंस्टा पे उससे बात हो रहा था, इसके लिए मैंने वीडियो शूट किया। एंड गाइस गुजरात आई थिंक लग रहा है मेरे को हारने वाले है, 102 पे 6 विकेट गया 15 ओवर, भाई कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आ चुका हूँ कस्टमर की बिल्डिंग में लास्ट ऑर्डर डिलीवर करने को। एंड भाई ये जो बिल्डिंग है ना ये बहुत डेंजर है, मतलब यहाँ पे आधे से ज़्यादा सब गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग रहते हैं और ऊपर से सेलिब्रिटी भी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है और यहाँ पे कार्स भी ऐसे है ना भाई, डेंजर है। चलो अब इसको जाके डिलीवरी करते हैं, अब देखते हैं ये ऑर्डर के एग्जैक्ट कितने पैसे मिले और कितना टाइम लगा, ठीक है। एंड भाई अभी जो मैं लिफ्ट में हूँ ना, ये भाई लिफ्ट है सर्विस लिफ्ट, ठीक है। यहाँ से खाली डिलीवरीज बॉयस और जो बिल्डिंग का सामान रहेगा वो लोग जा सकते हैं, बाकी उस साइड का जो बिल्डिंग है लिफ्ट है वहाँ पे डिलीवरीज बॉय को अलाउड नहीं है, जो बिल्डिंग में रहते हैं खाली उन लोग ही जा सकते हैं वो लिफ्ट से, क्योंकि भाई वो लिफ्ट सीधा उन लोग के बेडरूम में ओपन होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो चलेगा भाई कोई बात नहीं, अपने को तो यही रिस्पेक्ट है और क्या बोले भाई। तो चलो भाई बहुत कुछ झेलने पड़ता है भाई ये लाइन में, कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना कस्टमर, ना कंपनी, कोई नहीं। तो चलो 6th फ्लोर आ गया, अभी ऑर्डर देते हैं कस्टमर। मैंने अपना लास्ट ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, 24 मिनट्स में ऑर्डर को डिलीवर किया और भाई ये ऑर्डर की मिले मेरे को टोटल 30 रुपीज, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी था, कस्टमर का अमाउंट था 255 रुपीज, कस्टमर ने मेरे को 270 रुपये दिए। तो मैंने कहा सर चेंज जीपे करूँ, तो उन्होंने बोला नहीं बाकी का आप टिप रख दो, मतलब भाई मेरे को ये ऑर्डर पे आया 15 रुपये टिप, तो थैंक यू सर। तो ये होता है ऊपर की अपनी कमाई। तो चलो अभी आपको नीचे जाके मैं दिखाता हूँ कितनी अर्निंग हुई। फिलहाल कस्टमर की बिल्डिंग में ना, तो नीचे जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि टोटल कितने घंटे में कितनी अर्निंग हो चुकी, ठीक है। तो ये कैश, चलो पार्टी। गाइस मेरे को ये ना एग्जिट ही समझ नहीं, अभी फिलहाल मैं B1 में, अभी मैं जा रहा हूँ वापस B2 पे, पहले मैं G पे गया तो G भी नहीं, फिर B पे आया, अभी B2 पे जा रहे भाई, एग्जिट क्या है कुछ समझ नहीं, अभी तो B2 पे आया, देखते भाई। एंड गाइस आई थिंक ये भी नहीं, ये लग रहा है
हाँ बरोबर, ये बरोबर आ गया मैं भाई। भाई फाइनली एग्जिट मिल गया मेरे को। गाइस फाइनली अभी ये वीडियो को एंड करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई मेरी टोटल कितनी अर्निंग हो चुकी, कितने घंटे में कितनी अर्निंग हुई और कितना पेट्रोल लगा, कितना किलोमीटर हुआ गाड़ी का, ठीक है गाइस। तो गाइस पहले आपको मैं दिखाता हूँ लॉग इन हिस्ट्री, यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट देख लेना भाई। टोटल 9 घंटे लॉग इन था मैं और 9 घंटे में भाई मेरे 16 ऑर्डर्स हो चुके और अर्निंग देख लेना भाई, अर्निंग हो चुकी है 9 घंटा 16 मिनट में मेरे ऑर्डर अर्निंग हो चुकी है 1015 रुपये, जिसमें मेरे को इंसेंटिव आएगा भाई 400 रुपये, मतलब 1015 + 400 मतलब कितना 1415 रुपये मेरी अर्निंग हो चुकी है 9 घंटे में 16 ऑर्डर में, ठीक है। अब बात करते हैं गाड़ी का किलोमीटर, तो गाड़ी का किलोमीटर हो चुका है 89 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर पकड़ लो तो ऑलमोस्ट मेरा गाड़ी 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलते हैं, तो लगभग 160-170 का मेरे को पेट्रोल लग गया रहेगा, ऐसा अंदाज पकड़ के चलो। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना 90 किलोमीटर चल गया गाड़ी। तो ये थी मेरी आज की अर्निंग, लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बोला कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अभी कुछ दिन आपको खाली मेरे मोबाइल से शूट करूँगा और दिखाएगा, क्योंकि भाई मेरा GoPro खराब हो चुका है, मतलब मेरे को अच्छा खासा नुकसान आ चुका है। बट क्या करें भाई, YouTube के लिए तो करने पड़ते हैं, अभी करूँगा खर्चा तो कल जाके मेरी अर्निंग होगी। तो ये थी मेरी अर्निंग, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया। अगर जो भी नया बंदा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और जो राइट साइड में जो बेल आइकन उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। एंड गाइस अभी मेरे को घर पे जाना है, अभी टाइम हो रहा है 10:55 भाई, घर पे जाना है, फटाफट खाना खा गाओ। अगर ऑर्डर मीन्स अगर मेरे को एडिट करने मिला टाइम तो एडिट करूँगा, नहीं तो फिर भाई मैं घर पे जाके खाना खा के वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे को 12 बजे लॉग इन करना है, 2-3 घंटा काम करेंगे, ठीक है। फिर आई थिंक मेरे को लगता है 3 या 4 बजे घर पे जाऊँगा ना, तो वीडियो एडिट करूँगा, फिर वीडियो एडिट करके सो जाऊँगा, फिर अपलोड पे लगाऊंगा ताकि आप लोग 9 बजे देखिएगा भाई। अभी फिलहाल मैं कस्टमर की बिल्डिंग में, ये देखो गाइस पूरा आगे सामने अंधेरा अंधेरा पूरा, ठीक है। एंड गाइस मैं आ रहा ये वाले बिल्डिंग में ऑर्डर देने के लिए, भाई क्या डर गया मैं रिटली यार, क्या आवाज़ आ रहा है। चलो गाइस यहाँ से निकलते, थोड़ा मेरे को अनसेफ लग रहा है, तो कुछ तो पेपर है बट भाई डर लग रहा है। तो चलो गाइस अभी जाते हैं सीधा घर पे, तो वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड गाइस प्लीज़ गाड़ी आराम आराम से चलाना और रोज़ काम करना, ठीक है। बाय बाय।